वापस भेजना चाहते थे, वापस बची गई नहीं, पता नहीं उसका मसला। वापस बेटा भी करना चाहता था, मैं भी करना चाहती थी, पर बच्ची ने नंबर कोई एड्रेस नहीं दिया, ठीक है, उसने कहा मैं मर जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दुआ ज़हरा केस में एक नया मोड़ आ चुका। ज़हीर की वालिदा का पहला मुकम्मल इंटरव्यू आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। ज़हीर की वालिदा के पहले ऑफिशियल इंटरव्यू में दिल दहला देने वाले नए इंकशाफात सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ज़हीर की वालिदा ने दुआ ज़हरा के मुतल्लिक क्या कहा और सारा कसूरवार दुआ ज़हरा और मेहंदी अली काज़मी को क्यों करार दिया, आप भी सुने। जिससे बेटी आ गई तो वापस नहीं जाना चाहती थी, मजबूरन निकाह करना पड़ा ना। सारी को बच्ची थोड़ी थी वो 15-16। हाँ जी बेटी समझ, उसने गलती की है ये तो मैं मानूंगी, उसने बहुत गलती की, पाँव नहीं उठाना चाहिए था। वो कहती मैंने वापस नहीं जाना, नहीं जाना, हमने लिस्ट लैंड पहला गए थे, वापस आ गए थे, उन्होंने इनकार किया, माँ प्यो ने उठाया, उस घर में घुसन नहीं दिया, उसने बच्ची नू मारिया, उन्होंने उसकी वालदा ने उसे अगर रिश्ता लेन हमारे घर कोई नहीं, आज भी नहीं, 5 साल बाद। इकरार हसन की जानब से वाजिया पैगाम दिया गया था कि ज़हीर गैंग इंतहाई खतरनाक गैंग है, ज़हीर जैसे लोग फांसी का अड्डा चलाते हैं और मेरे पास ज़हीर गैंग के खिलाफ सारे वीडियो और ऑडियो सबूत मौजूद हैं जो बहुत जल्द अवाम और अदालत के सामने रखूंगा। मीडिया रिपोर्ट के बाद ये बात तो साबित हो चुकी है कि ज़हीर गैंग दुआ ज़हरा को रुमाल सुंघा कर अगवा करके कराची से लाहौर लेकर आए, जहाँ पर दुआ ज़हरा को नशे का आदी बनाया गया। अदालती फैसले के बाद दुआ ज़हरा को जब लाहौर दारुल अमान से कराची चाइल्ड ब्यूरो मुंतकिल किया गया, उस वक्त से दुआ ज़हरा की तबीयत शदीद खराब है, क्योंकि ज़हीर गैंग की जानब से दुआ ज़हरा को रोजाना नशा एडिक्ट करवाया जाता था और इन्हीं नशावर अदवियात का इस्तेमाल करके मेहंदी अली काज़मी के खिलाफ बयान दिलवाए जाते थे।